चिड़ियाघर में कुछ स्पेशल कर रहे हैं जो हम लोगों ने तो कभी नहीं किया। हम कबड्डी खेल रहे हैं, आपको पता है कि बहुत ही पॉपुलर गेम है हमारे देश का, और हुतुतु भी बोलते हैं हम उसे। तो हुतुतु कहते हुए यू नो दूसरे ओपोनेंट के टीम में जाना होता है, वहाँ किसी को टच करना होता है और उनके हाथ में आए बिना वापस आना होता है। और हमने पिक्चरों में बहुत देखा है कि कबड्डी 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 कबड्डी, तो ये एक सीक्वेंस है जो कि हम कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि हमें रात में या यू नो तीन चार दिन तक बाबूजी को सोने नहीं देना है, जो कि एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट काम है। तो आज रात को हमने एक किटी पार्टी रखी है, अनयूजुअल सी किटी पार्टी रखी है, जिसमें हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं और बाबूजी को भी ज़बरदस्ती हमने उस कबड्डी में शामिल कर दिया है। सबके अलग अलग इंडिविजुअल स्टोरीज भी रहती हैं, और यहाँ हमने ये भी दिखाया है कि मतलब चुहिया जब जाती है अंदर रिंग के अंदर जाती है, तो कभी उसके साथ रोमांस करने लग जाता है और चुहिया भूल जाती है कि उसे वापस आना है। तो ये एक कॉमिक एलिमेंट है, उसके साथ रोमांस भी है। और साथ ही साथ बाबूजी जब मौसी को टच करके अपनी तरफ जा रहे होते हैं, तब मौसी उन्हें पकड़ लेती हैं और इसी तरीके से बाबूजी आउट हो जाते हैं। तो ये भी एक कॉमिक एलिमेंट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नुआंसेस आपको इस स्टोरी में दिखाई देंगे।
मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड को टच करके आना चाह रही थी, लेकिन ये लोग मुझे चांस ही नहीं दे रहे थे, तो मैं भागने वाली थी, तब तक दीमक चाचा ने मुझे पकड़ लिया और मैं भागी हूँ फिर उनसे बच के, और हम जीत गए और वो आउट हो गए। बहुत इंजॉय किया हमने, पहली बार यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, और हमने वॉलीबॉल खेला हुआ है, हमने फुटबॉल भी खेला हुआ है यहाँ पर, और ये पहली बार है कि हमने हुतुतु खेला और बहुत मजा आया। चक्कर ये है कि हमें एक ज्योतिष ने बताया कि शनि की महादशा चल रही है, बहुत बुरा टाइम चल रहा है बाबूजी के लिए, तो अगर वो सोते हैं तो वो उनका लास्ट लास्ट नींद होगी, वो उसमें से उठेंगे ही नहीं, और हम इतना ज़्यादा अंधविश्वासी हो गए हैं सडनली, और उनकी बातों पर विश्वास कर लिया, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपने बाबूजी को सोने ना दें, ताकि हमारे बाबूजी हमसे दूर ना चले जाएं।